नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता दें। भूकंप के तेज झटकों से एक बार फिर मेक्सिको हिल गया है। अब तक 139 लोगों की इसमें मौत हो गई है, सैकड़ों मलबे में दबे हुए हैं। राहत और बचाव का काम जारी है। 12 दिन के बाद दूसरी बार मेक्सिको में भूकंप आया है। इस बार भूकंप का केंद्र राजधानी मेक्सिको सिटी के पास था, इसलिए सबसे ज्यादा तबाही वहीं आई है। भूकंप का केंद्र रुबेला प्रांत के सेंटिगो के करीब था। 7 सितंबर को आए भूकंप में भी 98 लोगों की मौत हो गई थी। हैरानी की बात यह है कि ये तबाही 32 साल पहले 1985 में भी आए विनाशकारी भूकंप की बरसी पर हुई है। तो आपको हम बता दें कि 12 दिन बाद फिर से एक बार भूकंप आया है। 12 दिन पहले एक जोरदार भूकंप आया था, जिसके बाद फिर एक जोरदार भूकंप आया, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है। और अभी भी बताया जा रहा है कि कई लोग इसके अंदर मलबे में दबे हो सकते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मेक्सिको सिटी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कि जैसे ही भूकंप आया उसके बाद लोग सड़कों पर किस तरह से भागते हुए नजर आए। और ये देखिए, ये इमारत धराशायी होते हुए, ताश के पत्तों की तरह ये इमारत जो है वो धराशायी हो गई, क्योंकि भूकंप की तीव्रता काफी ज्यादा थी। मेक्सिको सिटी के पास भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान यहीं पर हुआ। भूकंप के तेज झटकों से एक बार फिर से मेक्सिको हिल गया। इस भूकंप में अब तक 140 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है और बताया जा रहा है कि सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो कि मलबे में दबे हुए हैं। हालांकि राहत और बचाव का काम जारी बताया जा रहा है। 3 कैमरों की नजरों से आप देखिए किस तरह से मेक्सिको में भयानक भूकंप आया। रेस्टोरेंट में देखिए कि किस तरह से झूमर जो है वो ऊपर झूलते हुए नजर आए, कुछ लोग टेबल के नीचे अपने आप को बचाते हुए नजर आए। दूसरी तस्वीर में आप देखिए किस तरह से ताश के पत्तों की तरह इमारत जो है वो वहां पर ढह रही है। लोग अपने आप को बचा रहे हैं, भाग रहे हैं वहां से। ये देखिए सड़कों पर लोग अफरा तफरी में, जो ऑफिस में थे, जो घर में थे, सब भाग भाग कर ये देखिए सड़कों पर उतर आए और उनके सामने किस तरह से इमारतें गिर रही है। लोग चिल्ला रहे हैं डर की वजह से, क्योंकि 12 दिन पहले भी एक विनाशकारी भूकंप आया था। आपको बता दें 12 दिन के बाद ये दूसरी बार मेक्सिको में भूकंप आया है और इस बार भूकंप का केंद्र राजधानी मेक्सिको सिटी के पास था, इसलिए तबाही की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा तबाही मेक्सिको सिटी में आई। भूकंप का केंद्र रुबेला प्रांत के एटेंसिगो के करीब बताया जा रहा है। 7 सितंबर को आए भूकंप में भी 98 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें सबसे ज्यादा हैरानी इस बात को लेकर है कि ये तबाही 32 साल पहले 1985 में भी आए विनाशकारी भूकंप की बरसी पर। 1985 में भी विनाशकारी भूकंप आया था, जिसने कितनी ही जिंदगियां ली हुई थी, और एक बार फिर से उसकी बरसी पर ये भूकंप। Thank you.